हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली यदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। तो दोस्तों महाभारत का अभी नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, 55। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन और कर्ण अपने आप को एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। कर्ण भी गुस्से में था। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी महाभारत है तो बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ देखने में हमें, तो देखते हैं आगे। राजकुमारी, यह परिवार का भोज है। इसमें परिवार और अतिथियों के अतिरिक्त और कोई भी सम्मिलित नहीं हो सकता। कुंती माँ, कुंती माँ, प्रणिपत, ये देखिए कौन आया आपसे मिलने। ये है मेरी सखी सुभद्रा। कन्यावास में अभ्यास करती थी मेरे साथ। यादव श्रेष्ठ वसुदेव की पुत्री। भ्राता वसुदेव की पुत्री द्वारका से चली तब भ्राता कृष्ण ने कहा था, महारानी कुंती बुआ है हमारी, उनके चरणों की सेवा करोगी तो भाग्य खुल जाएंगे। प्रणिपा। सुभद्रा, मेरे अनुज वसुदेव और उग्रसेन पुत्री देवकी स्वस्थ है ना? और तुम्हारे दोनों भ्राता बलराम और कृष्ण, वो कैसे हैं? वो सब स्वस्थ हैं। कृष्णा के पराक्रमों के विषय में सुन सुनकर हृदय सदैव तृप्त होता है। वास्तव में दिव्य है वो सुभद्रा। कृष्णा से मिलने का बहुत मन है। भ्राता कृष्ण ने कहा है, जब ताप बहुत बढ़ जाता है तो समुद्र को पर्वत की चोटी के पास आके मिलना पड़ता है। स्थितियाँ इसी प्रकार रही तो शीघ्र ही मिलने का प्रसंग रहेगा। अर्थात राधा कृष्ण की बातों का अर्थ तो स्वयं बलराम भ्राता भी समझ नहीं पाते। मैं तो केवल सुनती हूँ। सुभद्रा, वहाँ कुछ वादक आए हैं, वाद्य बजा रहे। चलो ना, चलकर देखते। चलो। प्रणिपात माता। प्रणिपात भीम, तुम्हारा स्थान वहाँ है। यहाँ स्त्रियों के बीच में क्यों बैठे हो? कितने वर्षों से आपने अपने हाथ से खिलाया नहीं माता, आज तो मैं आपके यहाँ से खाऊंगा। सब हंसेंगे तुम पे। प्रणिपात माता। प्रणिपात, आप अपने हाथ से खिला दीजिए ना,
आपके हाथ से खाते ही भ्राता भीम का पेट भर जाता है, फिर सबको पूरा भोजन भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहीं जाकर बैठता हूँ, भोजन पूर्ण करने के समय आऊंगा, आपके हाथ से खाना। प्रणिपात ज्येष्ठ भ्राता, प्रणिपात, ये है मेरी कन्या व्यास की सखी कृष्ण वासुदेव की बहन सुभद्रा। प्रणिपात। कल्याण, कृष्ण ने तो आर्यवर्त की राजनीति में परिवर्तन ही कर दिया है। भ्राता कृष्ण कहते हैं आर्यवर्त की राजनीति में परिवर्तन आप लाने वाले हैं। दुष्ला, मैंने सुना है कि तुमने कन्यावास का अभ्यास पूर्ण कर लिया है। हाँ ज्येष्ठ भ्राता, आवश्यकता की सारी विद्याएं प्राप्त की है, बस मैं ये वाद्य कला नहीं सीख पाई, किंतु सुभद्रा अद्भुत वीणा वादन करती है। प्रणिपाद, प्रणिपाद, अर्जुन तो सभी प्रकार के वाद्य बजा लेते हैं। नकुल, कोई वाद्य बजाने का अवसर है? बजाइए ना भ्राता अर्जुन, अभी तो पिताश्री भी नहीं पधारे। ये आ गए। बजाओ बजाओ अर्जुन, बजाइए भ्राता श्री, राजकुमारी सुभद्रा भी सुनने को उत्सुक है। Thank you.
योगदान। अद्भुत अद्भुत वीणा वादन किया भ्राता अर्जुन। दोस्तों तो ये था महाभारत का 55 एपिसोड। यार अर्जुन की उंगलियों में तो वैसे ही जादू है, तीर तो वो चलाता है, पर आज ये जो बजाया है तो भाई साहब सब ने मतलब खामोशी से सुना और सारे मतलब सुकून से सुन रहे थे अर्जुन को। लेकिन ये जो आ गया ना दुर्योधन, ये पता नहीं अभी क्या करेगा। बाकी तारीफ तो कर रहा है, बोल रहा है, अद्भुत तालियां बजा रहा है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इसकी क्या बात है इसके दिल में। अर्जुन जी ने आज जितना भी म्यूजिक बजाया बहुत अच्छा लगा वो मुझे। भीम जी भी बड़े हंस रहे थे, एक वो नई लड़की पे आई हुई थी वो भी बड़ी गौर से उसको देख रही थी अर्जुन जी को। अर्जुन को तो बड़ा देख रही है भाई, हंस के देख रही है, मुझे लगता है अर्जुन को पसंद करती है। तो हम बड़ा मज़ा आया ये देखकर। ये जो आया ना यार, ये दुर्योधन, ये तो मुझे लगता है अभी क्या करेगा। तारीफ तो कर रहा है पर इसका मुझे नहीं लगता ये तारीफ करेगा, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने आता है। और ये करना भी इसके साथ है भाई, ये हमें अच्छा नहीं लगता यार। करना इन भाइयों के साथ होता अपने, ये अगर सच्चाई राजकुमारी कुंती बता देती तो ये अब इनके साथ होता, तो आगे देखेंगे। मज़ा बहुत आ रहा है यार। सच्चाई बताने तो आई थी लेकिन करना नहीं बोला ना कि भाई मुझे यहाँ पर ही रहना है, मेरी माँ भी वैसे है। तो इनको बस इनके सर पे गुरूर सवार है। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है महाभारत का 55 एपिसोड। ओके थैंक यू।